हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज अरुणा गुप्ता फ्रॉम महाराजा अग्रसेन स्कूल हिसार। टुडे वी विल कंटिन्यू आवर फिफ्थ चैप्टर ऑफ क्लास 10th मैथमेटिक्स। कल हमने एक्सरसाइज 5.3 के पहले 5 क्वेश्चन किए थे, आज हम उससे आगे कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। द फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म आर 70 एंड 350। फर्स्ट टर्म 70 और लास्ट टर्म 350। इफ कॉमन डिफरेंस इज 9, अगर कॉमन डिफरेंस d बराबर 9 है, देन हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, कितनी टर्म्स है, मतलब n निकालना है, एंड व्हाट इज देयर सम, और फिर Sn फाइंड करना है। अब देखो जो हमें गिवन है, a गिवन है, L गिवन है, L means An और D गिवन है। इन तीनों में से किसका फॉर्मूला बताया हमें? L का, nth टर्म का। An गिवन है कितना? 350। तो An का फॉर्मूला लगाएंगे, A plus N minus 1 into B equal to 350। इसमें तुम A की वैल्यू पुट कर दोगे और D की वैल्यू पुट कर दोगे, सॉल्व करोगे तो N की वैल्यू आ जाएगी, और उस n की वैल्यू के बाद हमने क्या फाइंड करना है, Sn। तो Sn के लिए a भी पता है, l भी पता है, n हमने फाइंड कर लिया, Sn का फॉर्मूला लगा, ठीक है। आगे 7th क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स। सम ऑफ 22 टर्म्स हमने फाइंड करना है, इन विच d इज इक्वल टू 7 एंड 22nd टर्म इज 149। हमें d पता है और 22nd टर्म पता है, तो इन दोनों में से किसका फॉर्मूला लगा सकते हैं 22nd टर्म का? क्या होता है? a plus 22 minus 1 into d equal to 149। इसमें d की वैल्यू पुट करोगे क्या आ जाएगा? a फाइंड कर लिया, n हमें पता है 22, Sn निकालना है, Sn का फॉर्मूला क्या लग जाएगा? n by 2 a plus l, क्योंकि लास्ट टर्म हो गया है 149। दूसरा भी लगा सकते हो, d भी पता है, कोई भी फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ ap। सम ऑफ 51 टर्म्स हमें फाइंड करना है, whose second and third term are, second term is 14 and third term is 18। दूसरा और तीसरा पद दिया हमें 14 और 18। अब देखो S51 फाइंड करना है, n तो पता है, और क्या चाहिए? या तो a और l चाहिए या फिर a और d चाहिए, वो दोनों नहीं पता। इन दोनों इक्वेशन से निकाल सकते हैं, a2 गिवन है, a2 means a plus 2 minus 1 into d equal to 14, इससे क्या बन जाएगा? a plus d equal to 14। और दिया है a3, a3 means a plus 3 minus 1 into d equal to 18, और इससे क्या बनेगा? a plus 2d equal to 18। ये दो इक्वेशन बन गई, एलिमिनेशन से सॉल्व करोगे a और d दोनों आ गए, और n क्या गिवन है? 51। तो इसका मतलब Sn का फॉर्मूला लगा देंगे हम, n by 2 2a plus n minus 1 into d। इस फॉर्मूले में n की वैल्यू 51, a और d की वैल्यू यहाँ से जो आएगी वो पुट करोगे, Sn आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन ए पी इज 49, सम ऑफ 7 टर्म्स इज 49 एंड दैट ऑफ 17 टर्म्स, और वो ही 17 टर्म्स मतलब सम ऑफ 17 टर्म्स इज 289, देन फाइंड द सम ऑफ एन टर्म्स, फर्स्ट एन टर्म्स, Sn हमने फाइंड कर लिया। अब गिवन है सम ऑफ 7 टर्म्स और सम ऑफ 17 टर्म्स, पहले S7 का फॉर्मूला लगाएं, क्या होगा? 7 by 2 2a plus 7 minus 1
मल्टीप्लाई में चला गया और 7 डिवाइड किया, 7 और 49 कट किए 7, तो 2a + 6d = 14, ये इक्वेशन बन गई हमारी फर्स्ट। S17 का फॉर्मूला लगाए 17/2, 2a + 17 - 1 × d = 289। यहाँ से ये 17/2 उधर ले जाते हैं, तो 2a + 17 - 1 = 16d, 289 × 2/17। 17 को 289 से कट किया 17, 2a + 16d = 17 × 34, ये आ गई सेकेंड इक्वेशन। By elimination, 2a + 16d = 14 and 2a + 16d = 34. Minus किया, -10d = -20, then minus and minus cancel हो गया, d = 20/10, 2, g की value put in first equation में put करें 2a + 6 × 2 = 14, 2a = 14 - 12, 6 × 12 = 2, then a = 2/2, 1। a और b दोनों फाइंड कर लिए, अब sn का फॉर्मूला लगाएं, sn = n/2, 2a + n - 1 × d। n नहीं पता तो n/2 ही रहेगा, 2 × a1 + n - 1 × d की वैल्यू 2, n/2 2 + 2n - 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, n/2 × 2n, फिर 2 से 2 कैंसिल हो गया, n × n, n² सम ऑफ n टर्म्स इज n स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 शो दैट a1 a2 an फॉर्म एन ap इन फर्स्ट पार्ट वेयर an इज इक्वल टू 3 + 4n। हमने शो करना है इसकी टर्म्स जो बनाई हम a1 a2 a3 an, दे फॉर्म एन ap। Also find the sum of first 15 terms, और साथ में हमने sum of 15 terms की find करना है। अब देखो an given है, a1 find करना है, तो क्या करें, an की जगह 1, तो a1 आ जाएगा, क्या होगा 3 + 4 × 1, 3 + 4 = 7। a2 find करना है, 3 + 4 × 2, n की जगह 2 पुट कर दिया, 3 + 8 = 11। a3 फाइंड करना है, तो 3 + 4 × 3, 3 + 12 = 15। हमें तीन टर्म्स फाइंड करनी है, ap में कब होती है, जब कॉमन डिफरेंस सेम, तो हम फाइंड करके देखें, a2 में से a1 माइनस करें तो क्या आएगा, a2 है 11 - a1 है 7, 4। थर्ड में से सेकंड माइनस करें तो 15 - 11, ये भी 4 ही आया, सेम आ गया ना, सिंस कॉमन डिफरेंस इज 7, 11, 15 फ्रॉम एन एपी, तो ये एपी में है। अगर एपी में है तो सम ऑफ 15 टर्म्स फाइंड करना है, इसमें ए की वैल्यू क्या है 7 और डी की वैल्यू 11 - 7 = 4, और एन कितने टर्म्स का सम, 15 टर्म्स का, तो एसएन फाइंड कर सकते हो ना, एसएन फाइंड करोगे आगे अपने आप, ऐसे ही सेकंड पार्ट करना है वो अपने आप करोगे। 11th क्वेश्चन If the sum of first n terms of NAP is sum of n terms
व्हाट इज फर्स्ट टर्म, व्हाट इज फर्स्ट टर्म ए, दैट इज एस वन। एस वन क्या होगा, एन की जगह क्या पुट कर दे, वन। एन की जगह वन पुट करें तो फोर इंटू वन माइनस वन स्क्वायर, फोर माइनस वन थ्री, ये आ गया हमारा फर्स्ट टर्म एस वन। उसके बाद है क्वेश्चन है व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, सम ऑफ टू टर्म्स, एस एन में एन की जगह क्या पुट कर दे, टू। एस टू क्या आएगा, फोर इंटू टू माइनस टू स्क्वायर, फोर टू जा एट माइनस फोर फोर। इसके बाद है व्हाट इज सेकेंड टर्म, अब सेकेंड टर्म फाइंड करनी है तो दो टर्म के सम में से फर्स्ट टर्म माइनस करें तो सेकेंड आएगी, एस ए टू इज इक्वल टू एस टू माइनस एस वन, एस टू है फोर, एस वन है थ्री, फोर माइनस थ्री वन, यानी सेकेंड टर्म। सिमिलरली फाइंड थर्ड टेंथ एंड nth टर्म, अब हमें थर्ड टर्म फाइंड करनी है, टेंथ टर्म फाइंड करनी है और nth टर्म, ए पता है तुम सबके लिए क्या चाहिए, डी, तो डी फाइंड कर लेते हैं। डी इज इक्वल टू ए टू माइनस ए वन, ए टू क्या है वन, माइनस ए वन क्या था थ्री, वन माइनस थ्री माइनस टू, इसका मतलब ए हमारे पास आ गया थ्री और डी आ गया माइनस टू। ए थ्री फाइंड करना है थर्ड टर्म, ए प्लस थ्री माइनस वन इंटू डी, ए की वैल्यू थ्री प्लस टू इंटू डी की वैल्यू माइनस टू, थ्री माइनस फोर माइनस वन। इसी तरह से टेंथ टर्म फाइंड करनी है, कर सकते हो ना, ए प्लस टेन माइनस वन इंटू डी। और उसके बाद फाइंड करनी है nth टर्म, nth टर्म का फॉर्मूला लगा देंगे ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए की वैल्यू थ्री प्लस एन नहीं पता, डी की वैल्यू माइनस टू, आ जाएगा थ्री माइनस टू एन प्लस टू, थ्री प्लस टू फाइव माइनस टू एन, ये हमारी nth टर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6, 6 से डिविजिबल पहले 40 पॉजिटिव इंटीजर्स, और फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर जो 6 से डिविजिबल है कौन सा होता है, 6, दूसरा 12, तीसरा 18, ऐसे चलते जाएंगे, कितने इंटीजर्स लेने हैं 40, तो 40 क्या बन जाएगा n, n की वैल्यू 40, a की वैल्यू 6, d की वैल्यू 12 माइनस 6, 6, अब a पता है, d पता है, n पता है, क्या फाइंड करना है, sn, sn फाइंड कर सकते हो ना इजीली, तो आगे कंप्लीट अपने आप करोगे। 13th क्वेश्चन, 13th भी ऐसे ही है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8, 8 के मल्टीपल्स कौन कौन से होंगे, 8, 16, 24, ऐसे चलते जाएंगे, कितने मल्टीपल्स देने हैं 15, तो n की वैल्यू 15, a की वैल्यू 8, b की वैल्यू 16 माइनस 8, 8, फाइंड क्या करना है, सम एस एन फाइंड करना है, कर सकते हो ना इजिली, अपने आप करोगे। 14, फाइंड द सम ऑफ ओड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50, 0 से लेकर 50 तक जो ओड नंबर्स हैं उनका सम फाइंड करना है, उनके बीच में ओड नंबर्स कौन से हैं, 1, 3, 5, 7, ऐसे चलते जाएंगे, लास्ट में 50 नहीं है, उससे पहले 49, तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या आ गई 1, b की वैल्यू 3 माइनस 1 2, और 49 क्या है, लास्ट नंबर है ना, an, an है 49, पहले an का फॉर्मूला लगा के a और d को n आएगा, n फाइंड करने के बाद sn फाइंड करोगे, sn का फॉर्मूला लगा, ठीक है, ये भी अपने आप कंप्लीट करोगे। आज के लिए बस इतना ही, आज आपका होमवर्क है एक्सरसाइज 5.3 के 6 से 14 तक क्वेश्चंस नोटबुक में कंप्लीट करोगे,
और इसके जैसे ही एग्जांपल्स रफ नोटबुक में करोगे। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे मेरे पर्सनल नंबर पे कॉन्टेक्ट करोगे, ठीक है? ओके।